मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर भाई लोग कैरम का फैन नहीं है। आप लोग कैरम पूल के फैन है कि नहीं? लेकिन फिर भी कुछ भाई लोग शायद कैरम पूल खेलते खेलते रियल कैरम के बारे में भी जरा सा क्यूरियोसिटी हो गया हो। तो आज आप लोगों को जो कैरम का गेम हम दिखाने वाले हैं वो है रियल कैरम 3D। जो फिजिक्स है इस गेम का तो वो बिल्कुल रियल कैरम जैसा ही है। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. आप कैरम पूल खेलने वालों को इसका जो कंट्रोल है ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट फील हो सकता है, लेकिन ये ज़रा सा भी डिफिकल्ट नहीं है। स्ट्राइकर को पकड़ के आप कहीं भी प्लेस कीजिए और उसके बाद जो एम लाइन है उस यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन वाला ये जो स्ट्राइकर का एक सिंबल है इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट कीजिए। एम लाइन है इसको आपको उंगलियों से एडजस्ट करना है। आपको स्ट्राइक करने के लिए राइट हैंड साइड पे आप फोर्स को डिसाइड कर सकते हैं। कुछ हद तक हमारा ये जो एड बॉल पूल का जो सिस्टम है फोर्स का उसी टाइप का है। अभी हम लोग एक कैरम पूल टाइप का अटेम्प्ट लेते हैं भाई, देखते हैं सक्सेसफुली जाता है या नहीं जाता। यहाँ पे देखिए भाई, ओह ये तो लकी शॉट चला गया हमारा। जो भी हो बोर्ड को फिनिश करते हैं भाई लोग। मेरा ख्याल से इस गेम का जो डेवलपर्स है वो लोग इस गेम को अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि यह है बहुत पुराना गेम। मेरा ख्याल से ये तो कैरम पूल से भी ज़्यादा पुराना गेम है, यह रियल कैरम 3D। इस गेम में हमारे कैरम पूल जैसे बहुत ज़्यादा डिजाइन का स्ट्राइकर तो है नहीं, और पग्स भी इस गेम का फिक्स है वही ब्लैक एंड व्हाइट वुडन वाला पग्स, ठीक है। लेकिन स्ट्राइकर्स का जितना भी कलेक्शन है वो बहुत ही ढांसू कलेक्शन है भाई। और आपका जो भी सनसाइन है, जोडियाक साइन है, हर एक जोडियाक साइन का भी एक स्ट्राइकर एलोटेड है। जैसे कि हमारा जोडियाक साइन है लिब्रा, ठीक है, वो अंग्रेजी का कैलेंडर के हिसाब से नहीं, जो बिल्कुल हमारा जो कुंडली का हिसाब से हमने तुला राशि का भी स्ट्राइकर उठाया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टेबल्स का जो डिजाइन है, लेआउट है, टेबल्स का डिजाइन तो भाई कैरम पूल से या कोई भी गेम से भी ये बहुत ज्यादा भयानक इसका टेबल्स का डिजाइन है। कोई भी टेबल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉइन से परचेस कर सकते हैं, 50,000 कुछ कॉइन लगता है, या तो आपके पास अगर कॉइन नहीं है तो आप एक एडवर्टाइजमेंट दे के टेम्पररी बेसिस पे कुछ गेम प्ले कर सकते हैं। किसी भी टेबल पे आप किसी भी स्ट्राइकर को एक एडवर्टाइजमेंट दे के टेम्पररी बेसिस पे लेकर आप गेम प्ले कर सकते हैं। तो ये टेबल भी हमने उठाया नहीं, लेकिन हमने बस एडवर्टाइजमेंट देख के अनलॉक किया है कुछ देर के लिए। मधा भाई का साथ एक गेम प्ले चल रहा था इसी टेबल पे, कितना गजब का ये टेबल है आप जरा देखिए। यहाँ पे तुला स्ट्राइकर से अभी गेम प्ले कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि मैं इस गेम को बहुत ज्यादा खेलता हूँ, मैं भी कभी कभी खेलता हूँ इस गेम को, लेकिन भाई मानना पड़ेगा इस गेम पे जो रियल बोर्ड वाला फीलिंग्स देता है ऐसा शायद ही प्ले स्टोर पे और कोई कैरम का गेम है जिसपे इतना रियल फीलिंग्स दे रहा है कैरम बोर्ड का। तो अपने पिछले वीडियोस का टॉप 5-6 कमेंट्स कुछ ऐसा है। सुमित पाल भाई बहुत धन्यवाद, दिवाकर कैरम गेमिंग, कृष्णा तल्लू, कृष्णा कृष्णा जानते हैं हम, अखिलेश गुप्ता भाई बहुत धन्यवाद,
अपने जाने पहचाने देवाशीष महापात्रा भाई, धन्यवाद इतना दिन बने रहने के लिए। और इधर हो गया मिस्टर ओजाहादा टेक भाई, हरी ब्लॉग्स, टेक ऑन सुजन, फिर हरिहरा भाई। ये हरिहरा भाई हमको बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम एट बॉल पूल का गेम लाए, लेकिन एक्चुअली एट बॉल पूल में इतने बड़े बड़े महारथी हैं कि हमको वहाँ पे जाने में बहुत शर्म आता है। वाली बोराची हमको कैरम पूल में वापस आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। अपने जाने पहचाने निखिल गौर भाई और बाजीगर कैरम पूल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है सबका कमेंट तो हम डिस्प्ले कर नहीं सकते, इसलिए टॉप 4-5 कमेंट हम उठा लेते हैं।